के कॉलो का मैसेज आ रहा है। हाँ जी, क्या बात कर लो। चलो आज ओपनिंग आप ले लो, मेरी तबीयत ठीक। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं, बस हाँ सबर थोड़ा सा बीमार है आज, उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसकी ओपनिंग मैं ले रहा हूँ। आज रात भर सोई भी नहीं, बहुत तबीयत खराब है उसकी। और सबर के जहाँ में आपका स्वागत है। और हाँ है, तो फ्रेंड सबर के जहाँ में आपका स्वागत है। फ्रेंड आज की जिम्मेदारी ब्लॉग बनाने की मेरी, क्योंकि आज बेटू की तबीयत खराब है। अभी अच्छा लग रहा है? और मुझे वॉमिट से सबसे दुनिया में डर लगता है, तो अभी भी मेरा मन अच्छा नहीं है। आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा स्पेशल भी है। पिछले ब्लॉग में देखा होगा फ्रेंड्स, मैंने महर के बर्थडे की बात करी, तो आज महर का बर्थडे है। पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में कि हम उसके बर्थडे के टाइम यहाँ पे प्रेजेंट है। और आपने उसकी बातें भी सुनी होंगी कि कभी उसका ऐसा बर्थडे नहीं हुआ है। उसका बहुत मन भी रहता है, कुछ बच्चों को नहीं पसंद रहता है, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन कोई कोई बच्चों को ना पसंद होता है, और अगर उनको वो चीज़ ना मिले तो बड़ा मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमें उसको कुछ छोटा सा सरप्राइज़ देना चाहिए। अच्छा मुहर्रम चल रहा है, हम उसे ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर सकते सॉन्ग्स और ज़्यादा खुशी, लेकिन उसको थोड़ा सा स्पेशल तो फील करा सकते हैं इसमें, तो मतलब अल्लाह भी खुश होंगे किसी बच्चे को खुश करने के लिए। अभी हमने उसके लिए केक वगैरह सब ऑर्डर कर दिया है, तो फिर आगे जो भी होगा फिर इंशाल्लाह बताते हैं आप। कल तो हमने लंगर कर लिया था, लेकिन आज उनके लिए मतलब रिश्तेदारों के यहाँ से और जहाँ से मोहल्ले से आया, कल उनको नहीं मिल पाया था, तो इसलिए उनके लिए आज बिरयानी बनाई गई। तो वाली कर रही पैक, और यहाँ दो बीमार लोग बैठे हैं, एक शाम में मम्मी, दोनों बीमार हैं। मम्मी की आंखों में इन्फेक्शन हो गया, और सालू को तो लूज मोशन वगैरह सब चीजें हो रही है। वॉमिटिंग हुई है, जो भी हुआ है बता रहा हूँ। और रुखसाना बाजी यहाँ पे कर रही है काम, इसलिए उसने भाई नजर लग गई है। भाई पूरी छोटी मोटी भाई दे रही है, सैफ ने तारीफ कर दी ना, तो अच्छी लग रही है, इसलिए ज्यादा उसको दे रही है। अरे तो अभी भी लग रही है आउट। ये पूरी बिना मम्मी जा रही देने। और मैंने खाया था खिचड़ी और दूध, क्योंकि बिल्कुल और कुछ मन नहीं था। बिरयानी बांट के फ्रेंड्स फ्री हो चुके हैं, सब लोग यहाँ भेज दिए। बड़ा ही वो रहता है कि इतने सारे लोगों में कोई मिस ना हो जाए। निकले बाहर, महर के लिए लेंगे कपड़े और कुछ बलून, ये सब छोटी मोटी चीज। मतलब जैसे तुम आ गई, तुम चीजों को याद रखती हो कि इसके यहाँ एक बार और रिमाइंड कर लो, एक बार और रिमाइंड कर लो, वरना हमेशा पहले मैं भूल जाता था, बाद में लोग मुझे ताना मारते थे। आ गए अम्मू की दुकान में, और यहाँ सब कुछ मिल जाएगा जो हमें चाहिए। मैं सोच रही हूँ उसको पिंक पसंद है, सब कुछ पिंक कर देती, और कलर नहीं है इसमें, बेचारे इतना परेशान कर रहे हैं। मेरा जूस तो आ गया, तुम्हारा नहीं आया अभी तक। मैंने बहुत सारे दिन से जूस नहीं पिया था, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन है, इसलिए मैं जूस पी रही हूँ। बहुत बुरा है, शुगर नहीं ऐड करेंगे तो ऐसे ही होता है। इसमें ये भी लाल है, कौन सा देना, गोल्डन या व्हाइट? अच्छा परेशान कर रही हो उसे आज, बिल्कुल हिम्मत नहीं होता करके जाने। ठीक है चलेगा, मिल गया मेरे को ये वाला, ये ना पिंक में अच्छा लगेगा, ये पैसे ना निकले। सब सामान जो है डेकोरेशन का वो हमने ले लिया है, और पहले हम सोच रहे थे कोई डेकोरेशन वाले को बुलाए, फिर मैं सोचा मैं ही कोई सिंपल सा कर लूंगी, और अभी जूस भी पी रही हूँ। ब्रेक लगा दिया फ्रेंड्स, इन्होंने इतनी जोर से, पूरा गिर गया। कहाँ गिर गया? ये मेरे कपड़ों में, मेरे मुंह पे। कोई बात नहीं, मुंह पे नहीं, थोड़ा मैं बस तुम्हारे आई हूँ। अच्छा। अभी निकली थी कुछ सामान लेने के लिए, इसमें दो है। महर को इतना सब नहीं पता, हाँ। उसको क्या पता है शाम तक? कुछ भी नहीं, वो भी क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, तुमने पूछा नहीं बैठे क्या कर रही? कुछ भी नहीं, कहाँ हमारा करते हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मेरी बहुत ज्यादा पैम्परिंग हो रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये लोग वीडियो कॉल करके बारिश दिखा रहे हैं, तुम तो आओ सामने, बारिश नहीं तूफान है। अब बर्थडे के लिए फ्रेंड्स बर्थडे ड्रेस भी होनी चाहिए, तो फिर आ गए हम लेने के लिए। पिंक में ही चाहिए मुझे, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा ना। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला। इतनी सारी पुलिस, सब कुछ ले लिया है फ्रेंड्स हमने, और अभी चलते हैं घर। अभी करूंगी ब्लॉग एडिट, फिर शाम को करूंगी सब डेकोरेशन। मुहर्रम की वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे पुलिस फोर्स आई है। यहाँ पे सनी ने मेरे लिए वो ORS कुछ मंगाया है, जो पानी में डाल के पीना है, जिससे अंदर ना पानी की कमी पूरी हो जाएगी।
इस वक्त बज रहा है 8:30 पे वो लोग आ जाएंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ डेकोरेशन। एनर्जी आज ज्यादा कुछ नहीं है इसलिए रेडी भी नहीं हुई। कल के जो कपड़े बाहर टंगे थे आज सुबह से वही पहन के घूम रही हूँ। टाइम कम है इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन। ये रहा सामान जो हमारी थीम है। इसके लिए सिंपल की बेसिक सी चीजें ली है, पिंक और व्हाइट बलून और पर्पल कलर जो सभी ने चूज किया था। इसके साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट भी जाएगा। मशीन आ गई है, बलून फुलाना स्टार्ट करते हैं। शुक्र है फ्रेंड्स कि अभी लाइट है तो ये जो मशीन है ये चल जाएगी। पहली बार फ्रेंड्स ऐसे अकेले डेकोरेशन कर रही हूँ कि सरप्राइज देना था तो उसे बता नहीं सकते थे। और रिजर रिहान भी नहीं है, कोई भी नहीं है। चलते थोड़े नीचे फिर डेकोरेशन बाद में करेंगे। अम्मा से मिल के पापा को खाना निकाल देते हैं। आज खाने बना है मूंग की दाल रोटी और ये मिर्ची का अचार। सनी की खाला ने बहुत अच्छा बना के दिया। फ्रेंड्स पप्पी आ गई है हलीम लेके। अरे उस दिन खाया था हमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है? ठीक हूँ। हाँ थोड़ा भी मेरी तबीयत की खबर सुनी तो बेचारी पप्पी आ गई थी देखने के लिए जूस लेके। और उन्होंने आज फिर से हलीम बनाया था तो फिर से हलीम दिया। अल्लाह मेरे बाबू अकेले कर रहे हैं। तू अकेले क्यों कर रहा है? मैं करवा देता आके। आपका तो काम है बाहर। तो क्या हुआ? इतनी छोटी छोटी बना दी। ये कौन सा क्यों बना दी छोटा सा? ये ऐसे ही है बस। बलून फुलाने से चैलेंज की याद आ गई। 8:30 हो चुका फ्रेंड्स। वो लोग कभी भी आ जाएंगे इसलिए हमने जितने बलून फुलाए हैं यहाँ ठीक है। सोफे पे लगा दें। सही है फ्रेंड्स। ये 3 का फ्लावर ना मैंने बनाया है। अच्छा और सनी को भी आता है बनाना। छोटा बड़ा हो गया, देख बड़ा है तो बड़ा। आपने बड़ा बनाया है, मैंने छोटू बनाया है। ये जो हैप्पी बर्थडे है तो आपको दीवार में लगाना पड़ेगा। फ्रेंड्स जब आप नया नया कहीं पेंट कराते हो आपकी दीवार इतनी अच्छी होती है तो फिर भैया दिल में धक्का तो लगता ही। डेकोरेशन भी करना है तो फिर कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। मैं डालना पड़ेगा ना, मैं डालती हूँ। फ्रेंड्स सनी बाहर वो लगा रहे हैं और यहाँ पे मैं बलून फुलाती जा रही हूँ। अलग अलग एंगल से व्लॉग भी बनाती जा रही हूँ क्योंकि दोनों हाथ तो बिजी हैं तो फिर शूट कैसे करेंगे। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है। ये थैंक यू। अभी टाइम थोड़ा कम है फ्रेंड्स, हम आपको फाइनल डेकोरेशन करके मिलते हैं। मैम आ चुकी है, महर की फ्रेंड तानिया आ चुकी है और रुकई आ चुकी है। प्यारा सा डॉल वाला। है स्पेलिंग गलत लिख दी। रूम इतना फैल चुका है थोड़ा सा इसको भी साफ कर देते तो यहाँ पे रख देंगे इसकी ड्रेस। कम से कम केक ही खिला देती। ठीक है अच्छी लग रही है मैं यार। नहीं 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 थैंक यू। मैंने नहीं दिया क्योंकि अब मैं सारे की तुम्हारे बाद ही मेरी तरफ से थैंक यू। इतना सारा तो गिफ्ट है, मैं तुम्हें घर में दूंगी। ठीक है ठीक है। हां ये तनी भाई को अच्छा लगा था तुम्हारे लिए। अच्छा तुम्हें हमसे क्या चाहिए बता दे। चलो फिर अब कुछ नहीं चाहिए, सरप्राइज देना कुछ नहीं चाहिए। चलो भाई अब तुम्हारा हो गया बर्थडे, मैं चलता हूँ। थैंक यू साथ देने के लिए। चलो हम लोग खाएंगे। सनी कुछ खा तो लेते हैं।
है। फ्रेंड्स आज मेहर कितनी प्यारी लग रही है ना माशाल्लाह से। हम वही समझा रहे थे कि अगर बच्चे रोज रोज रेडी नहीं होते और फिर कभी कभी रेडी होते तो फिर एकदम हीरोइन लगते हैं। थे तो देखा करते थे ऐसा लगता है काश मेरा बर्थडे भी ऐसा हो, ऐसा ही केक हो और आपने कर दिया था तो क्या हुआ। तो वो इतनी प्यारी खोल चुकी, तुम अगला बर्थडे कर दोगी। खुल नहीं रहा सिंपी, इतना ज्यादा तो टेप लगाओ चाहिए। वो पैक करने वाले ने लगाया है हेयर बैंड और ये क्लिप। चलो थैंक यू तो बोलो। थैंक यू। चलो मैं जा रही हूँ अभी, तुम अभी भी तुम्हारा गिफ्ट बचा है। नहीं जा रहा फिर तो अच्छा सरप्राइज दिया। अच्छा लगा? बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स फिर अभी हो चुका है सहरी का टाइम। आज है मुहर्रम की 9 तारीख, मतलब आज लग जाएगी। तो रोजे रखते हैं 9 और 10 मुहर्रम को। डबल रोटी हमने मंगा ली अभी बाहर से, अभी हम जस्ट चाय बना लेंगे। चाय लेकिन कड़ी वाली मत बनाना। हाँ अच्छी वाली बनाओ। इतना सारा तो चाय बन गई है, चाय लेके आ गए। ये रहा हमारा पाव, अब करेंगे सहरी। हम लोग हो गए हैं सहरी से फारिग, बस अभी सबको अरेंज कर रही है, सब किचन में से फैला पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और आज है मुहर्रम की 9 तारीख, तो बस अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि आज रात में उस लंगर इंतजाम किया हुआ है। हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक, नमाज पढ़ के फारिग हो चुकी हूँ और अभी बाकी चीजें नीचे चल के पढ़ लेते हैं, जैसे कि यासीन शरीफ और कुरान पाक। जल्दी आना वहाँ से। अभी मैं बेटी वाले के यहाँ जा रही हूँ फ्रेंड्स, मतलब उनके यहाँ नहीं जा रही, उनको बाजार से कुछ दिलाना है क्योंकि फिर यहाँ भी इफ्तार का इंतजाम नहीं कर रहा है। फ्रूट्स लिया। चलो अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स अभी जैसे शादाब गया हुआ है कैश निकालने के लिए, उसके बाद हम चलेंगे मार्केट, कुछ सामान लेंगे जो चने दाल के हलवे में लगता है। मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने के लिए, अम्मा ने और रुखसाना बाजी ने अभी जस्ट बनाया था, बहुत मेहनत की थी इसलिए दोबारा उनको नहीं बोल रहे, इसलिए बेटी खाला से बनवा लेते। वालेकुम अस्सलाम। सूट बहुत प्यारा लग रहा है तुम्हारा। अच्छा लग रहा है। कुर्ता है ना? नहीं पूरा सूट है। हाथ भी तुम्हारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, हाथ तुम्हारे काट ले। मैचिंग की चूड़ी दिख गई थी तो पहन ली। किराने की शॉप पे आ गए, सामान ले लेते हैं और आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही। सहरी के लिए डबल रोटी, बारिश भी आ गई फ्रेंड्स। अल्लाह फ्रेंड्स। सनी की कुप्पी आ गई थी मिलने भिलाई से और मैं मुंह दिखाई भी देखी गई, मैं जा रही हूँ जब सनी छोड़ने चलते हैं। अभी हो रहा है 5:30 और हो गई है असर की नमाज, में नमाज पढ़ के आ गया हूँ, सुबह जा रही है नमाज पढ़ने। इफ्तार की तैयारी करा लो, वैसे सब कुछ तो हो गया है, मेरे पैसे कहाँ गए? यहाँ रख रही हो, पैसे कहाँ गए? मतलब दूसरों पे इल्जाम लगा रही हूँ, रोजा रखी थी। रख देती हूँ ना मैं, मेरा मुंह दिखाई वाला चालू है। चलो जल्दी सरबत बनाओ, 30 लोगों के लिए सरबत बनाना है, 30 का तो उनके लिए और कम से कम 5-10 अपने घर में रहेंगे इफ्तार के लिए, तो बाल्टी बना लेते हैं। ठीक है बाल्टी। हाँ बाल्टी। चैलेंज कौन पूरा करा रहा है? सरसों वाला डाल लो। ये कौन सा? ये वही वाला जो फैन वाला। तो फ्रेंड्स इफ्तार का टाइम हो गया है, हम लोग इफ्तार की सब मिलके तैयारियां कर रहे हैं, घर के लिए भी करना है मतलब तैयारी। और आज स्पेशली सनी जो बाहर किनको दे रहे हैं, इमाम वाले में जो लड़के जो रोजा रखते हैं तो अच्छा उनके लिए भी भेजना है, इसलिए ये वाली बाल्टी में ज्यादा बड़ा शरबत बनाना सारा। अच्छी बाल्टी, अच्छी साफ बाल्टी धो के लाया हूं। गुलगुले तो होने ही चाहिए। तुम ही खाओ गुलगुले। मैं तो नहीं खाऊंगा। हां सारा बाल्टी खाएंगे यार। 30 समोसा, 30 टिकिया और रस मलाई। चलो भाई गुलगुले। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ज्यादा बड़ी पूंछ नहीं निकल रही है। दिखाओ। पहले एकदम बंदर की पूंछ की तरह निकलती थी, अच्छे लग रहे हैं। इस बार बकरी की पूंछ की तरह निकले। चलो शरबत का डिपार्टमेंट हमेशा की तरह मेरे पास। पप्पा भी आ गए। पप्पा भी आ गए। पप्पा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। यहाँ पे गुलगुले फ्राई हो रहे हैं और रुखसाना बाजी जल्दी जल्दी बना रही है रोटी, क्योंकि फिर उनको भी अपने घर में फातिया दिलाना है, तो रोजा खोल के फिर वो भी फुर्सत होके चली जाएगी। और इसमें ये बर्फ ऐड कर दी है, अभी डल जाएगा। शरबतों की शान रो अफसा। फेल हो गया नहीं खोला, टक्कर ही फेल हो गया। 6:05 हो चुके हैं और सनी का जो शरबत है वो बन चुका है। सनी ये जले तो नहीं है? कैसे होते जले नहीं है? आपने मुझे बुला लिया था वहाँ पे। हाँ तुम काम से लेकिन जले नहीं है। ये सब लेके चलते हैं, वो देख के आते हैं कि रोज खुलने का टाइम हो रहा है। लाहौरी जीरा और वो आ गई टिक्किया।
हम लोग के लिए बस निकाल लेते हैं इसमें, हाँ। थोड़ी निकाल लेते बाहर इफ्तार देके आते हैं, तब तक हम लोग अपना दस्तरखान जो है वो लगा लेते हैं। हैं डिस्पोजेबल बहुत सारे आपके शादी के हैं उसको जो है और 4-5 साल तक के रखे लो ठीक। हाँ शादी की शादी हमारी शादी में काम आ जाएंगे, वो पुराने हो जाएंगे ना, दुल्हन नहीं नहीं आएगी और डिस्पोजल पुराने हो जाएंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है फ्रेंड्स, उनको शादी के नाम से कितनी खुशी मिलती है। सबके साथ होता था, हमारे साथ भी होता था। लगा लेते हैं हम अपना दस्तरखान, सब कुछ आके रख गया फ्रेंड्स। दुआ करते 10 मिनट बचे इफ्तार में, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इस वक्त बजने वाला है 8 और मैं जा रही हूँ बेटी खाला के घर, वहाँ पे मिलके आती हूँ। दरवाजा खुला छोड़ दिया और कोई नहीं है। पिज्जा आ गया, पिज्जा लेके आ जाओ। ये क्या है? ये इसको बोलते हैं थाल। अच्छा ये सब लोग ले लेके जा रहे हैं अभी? सब जा रहा है इमामबाड़े में, नवई वाले 9 तारीख को होता है आज के दिन मगरिब के बाद। अच्छा। घी शक्कर चावल ये पूरा सब डाल के। अच्छा इसमें फातिया होता है। आज इन लोगों ने मिलके हलवा बनाया, बेटी खाला ने, रुकैया ने, और इन लोगों को पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है। कल इन लोगों को पिज्जा खाना था, हम नहीं मंगा पाए थे, हमने कर लो स्पेशली तुम्हारे लिए पिज्जा। मैम पिज्जा पसंद है? ये तो सब पिज्जा लवर्स है, तो सब लोग खा लो। अब मैं ये चखूंगी कैसा है। देखने में तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, अब टेस्ट करके बताती हूँ। और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, बताना। कीड़ी से चढ़ती हुई आ रही थी, तो पूरा घर महक रहा है। गीला भी नहीं है, बहुत सूखा भी नहीं है, इजीली टूट गया है एकदम से, टेस्ट भी नहीं आता। आराम आराम से, बहुत अच्छा। थायराइड की दवा, इस वक्त फ्रेंड्स 1 बजने वाला है, मैं बेटी खाला के यहाँ पे आई हूँ। आज मैं यहीं पे रात में रुकूंगी, कुछ और भी जगह पे जाना है और सहरी भी करनी है, इसलिए अभी हम नहीं सोएंगे। रमजान के मंथ में फ्रेंड्स मैंने थायराइड की दवा जो है बहुत ज्यादा मिस की थी, क्योंकि रात भर जागते थे सहरी के टाइम पे, समझ ही नहीं आता था कि कब ये दवा खानी होती, 1 घंटे का गैप होता है, तो इस चक्कर में कभी भूल जाते थे, कभी बाद में खा लेते थे, कभी जस्ट खा के और फिर उसके बाद ही सहरी कर लेते थे। जो भी चीज हुई थी आप सबको पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थायराइड भी एक रीजन हो सकता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस हुआ था और नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल कभी भी मिस नहीं करती थायराइड की दवा, और आप सब भी मत मिस किया करो। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है, 1 बजने वाला है। नहीं यार। बेटी खाना गर्मा गर्म चाय बना के ले आई है, देखो बेचारे रात में कैसे खा रहे हैं घोड़े, ये सो रहे हैं। घोड़ा कभी बैठता नहीं, तुम्हें नहीं पता? नहीं पता, घोड़ा कभी पूरी जिंदगी नहीं बैठता, खड़े खड़े सो रहे। हाँ ये सो तो रहे हैं। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं रुकैया के यहाँ से, इस वक्त 3 बज रहा है और अब करेंगे हम लोग सहरी, और इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे कि हम लोग बस यहीं पे खड़े हैं। सामने मजार शरीफ है ना, तो इतना सुकून रहता है यहाँ। लास्ट में ये 9 मुहर्रम के कुछ क्लिप्स हैं जो सनी के दोस्तों ने, सनी ने और मदा के काफी लोगों ने मिलके एक लंगर का इंतजाम किया था। बस अल्लाह सबकी मेहनत सबके नियत को कबूल फरमाए। मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।